दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यहां पर क्लिक करके और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दीपाज किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज घर पर ही बनाएं शादियों में खास तौर से बनाई जाने वाली सब्जी मिक्स्ड वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीडियम साइज के आलू। इसको हमने टुकड़ों में काट लिया और पानी में डाल दिया जिससे काले ना पड़े। 50 ग्राम के आसपास गोभी लिए, इसको टुकड़ों में काट लिया है। 6 से 7 मैंने फ्रेंच बीन लिए, इसको 1 इंच की लंबाई में काट लिया है। 1 गाजर लिए, इसको भी हमने काट लिया है टुकड़ों में। और 4 से 5 मैंने यहाँ पर सेम लिए हैं, सेम को भी हमने 1 इंच टुकड़े में काट लिया है। 25 ग्राम के आसपास हरी मटर है और 1 शिमला मिर्च को हमने स्क्वायर शेप में काट लिया है। और 100 ग्राम पनीर है, इसको भी हमने स्क्वायर शेप में काट लिया। मसाला तैयार करने के लिए हमने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसको हमने रफली काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको भी रफली काट लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्च और 8 से 10 काजू। मसालों हमने लिया है यहाँ पर 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, नमक स्वाद के अनुसार 1 चम्मच है यहाँ पे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया और हमने ये दूध की मलाई ली है 2 बड़े चम्मच। इसकी जगह पर आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब यहाँ पे हम डालेंगे जीरा और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, लो से मीडियम पे। इसी में हम डाल देंगे 1 इलायची, इसको मैंने तोड़ दिया है, लौंग और दालचीनी। कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे इन्हें हम। इसी में हम डाल देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इनको भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। इसी हम डाल देंगे प्याज, और प्याज का कलर चेंज होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर रहे हैं। प्याज का कलर थोड़ा चेंज होने लगा है, अब इसी में हम डाल देंगे टमाटर और 1/2 छोटा चम्मच नमक, और टमाटर को गलने तक हम इसे पका लेंगे। इसी में हम डाल देंगे काजू भी। टमाटर भी गल गए हैं अच्छे से, अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक प्याज और टमाटर ठंडा हो रहा है तब तक हम सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। तो हमने वही पैन चढ़ाया है और इसमें हम डाल देंगे ऑयल, कम से कम 3 से 4 बड़े चम्मच, और इसे गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे आलू और गाजर और सेम फ्रेंच बीन, इनको हम पहले फ्राई कर लेंगे। तो
कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। हमने आलू, गाजर, सेम और फ्रेंच बीन को 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे मटर, गोभी और शिमला मिर्च और सबको हम दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को हम ढकेंगे नहीं। जब तक सब्जियां फ्राई हो रही हैं, इधर हमारा प्याज और टमाटर भी ठंडा हो गया, इसको हम मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। दोबारा सब्जी डालने के बाद हमने इसे 3 मिनट लिए और फ्राई कर लिया। अब हम गैस को बंद करते हैं और इसे हम निकाल लेंगे। अब पैन में जो ऑयल बचा हुआ है उसी में हम 2 मिनट के लिए पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। दो मिनट हो गए हैं, अब हम पनीर को निकाल लेते हैं। आप पनीर को बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं। अब इसी में हम दोबारा से 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अब हम यहाँ पे गैस फ्लेम को लो कर देते हैं और यहाँ डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। कुछ सेकंड के लिए इसको भून लेंगे हम और यहीं पे हम डाल देंगे पेट जो हमने पीसा था। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। हमने टमाटर प्याज के पेस्ट को 2 मिनट के लिए भून लिया था। अब यहाँ डाल देंगे हम धनिया पाउडर और 1 मिनट में इसको भून लेंगे हम। धनिया को भी मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब देखिए आप यहाँ पे मसालों से ऑयल छूटने लगा है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कप पानी और नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा क्योंकि पहले भी डाल चुके हैं। और इसे हम बॉयल होने देंगे। आधा कप पानी हम और डाल रहे हैं। चेक कर लेते हैं, ग्रेवी खोल गई है। इसी में हम डाल देंगे जो हमने सब्जियां फ्राई की थी। इनको मिक्स कर लेंगे और इनको हम 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार सब्जी गली है या नहीं। सब्जी गल गई बिल्कुल। हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं। हमने सब्जी को 10 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पे पकाया था। अब यहाँ डाल देंगे पनीर और चला लेंगे इसे। हम यहाँ डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा इसको हाथों से हम क्रश कर लेंगे।
डाल देंगे गरम मसाला और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे, जो मैंने दूध की मलाई ली थी उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और इसके ऊपर हम डाल देंगे यहाँ पे धनिया की पत्ती। अब सब्जी को हम 2 मिनट के ढक देंगे जिससे कसूरी मेथी और गरम मसाला का फ्लेवर सब्जी में अच्छे से आ जाए। 2 मिनट बाद इसे हम दोबारा से चलाकर सर्विंग बाउल में परस लेंगे। सब्जी को हमने सर्विंग बाउल में परस लिया है। अब सर्व करने से पहले इसको हम पनीर से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। मिक्स वेजिटेबल बनके तैयार है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।